सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ एस पी शर्मा, एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यहाँ सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट मीन्स द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल, इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अर्थात जहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं एंड उनके माध्यम से ही, जो उनमें जो सेल्स होती हैं उनके माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल ऑर्गेनिजम्स हैविंग मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोडक्ट्स मेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म, विच आर स्मॉल एंड मोटाइल, एंड द फीमेल ऑर्गेनिज्म हैविंग फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस ओवा विच आर जनरली लार्ज एंड स्टोर फूड. मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट दैट ग्रो इंटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स अभी आप सभी जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसके दौरान मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स यूज होते हैं. जो मेल गैमेट्स रिप्रोडक्शन में यूज होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, एंड इट इज़ स्मॉलर देन ओवा, एंड ओवा इज़ द फीमेल गैमेट. जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं. यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट्स की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, बिकॉज इट इज़ मोटाइल एंड इट इज़ द हेड रीजन एंड इट इज़ द टेल रीजन. और यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवा की बात करें तो कुछ ऐसा होता है विच हैव इन सेंटर अ न्यूक्लियस. जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पहले ये यन नंबर का गैमेट्स होता है एंड इसमें भी यन नंबर के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, बट जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट का दोनों के कैरेक्टर्स बीच में आ जाते हैं एंड द गैमेट्स प्रेजेंट इन टू यन नंबर, अर्थात डिप्लॉयड नेचर का हो जाता है. ओके, देन नेक्स्ट इवन नोट पॉइंट आया हुआ है, द सेक्स सेल्स और गैमेट्स आर आल्सो कॉल्ड जर्म सेल. जो सेक्स सेल्स होती हैं और गैमेट्स होती हैं, दैट इज स्पर्म और ओवा, इन्हें क्या कहा जाता है? जर्म सेल भी कहा जाता है. ओके, देन नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लैंगिक जनन का महत्व क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डीएनए एज वेल एज सेलुलर apparatus of two different organisms which promotes diversity of characters in the offspring. Next, since gametes are derived from two different organisms, it result in a new combination of genes which increase the chances of genetic variation. Sexual reproduction results in the origin of new species. Sexual reproduction involves division in the sex organs that reproduce the DNA matter to half so that the zygote formed after fusion has the same amount of DNA as the parents. It maintains DNA in a species. हम कह सकते हैं जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन जो asexual reproduction होता है, मतलब sexual reproduction is more significant than the asexual reproduction. क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स से जो हमको गैमेट्स प्राप्त होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. क्योंकि ये दो डिफरेंट स्पीसीज से होते हैं, इसीलिए इनमें जो इनकी ऑफस्प्रिंग होती है ये स्पेशल कैरेक्टर को शो करते हैं. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये नए पेयर बनाते हैं, क्योंकि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के कैरेक्टर आते हैं या गैमेट्स आते हैं,
तो इसीलिए ये नए पेयर बनाते हैं। इससे जो नए कैरेक्टर्स होते हैं, नए कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं और जो मोर क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ डे बाय डे इंक्रीज होती रहती हैं। ओके, नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शो किया जाएगा। अभी आप पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखेंगे, आफ्टर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम थोड़ी थ्योरी की डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में सबसे पहले जो लास्ट का पार्ट होता है, जो किसी प्लांट के स्टेम से अटैच होता है, उसे हम रेसिपिटैकल कहते हैं। उसे हम रेसिपिटैकल कहते हैं। एंड रेसिपिटैकल जो इसके नीचे का ये स्टेम होता है, इसे हम फ्लावर स्टेम भी बोलते हैं। रेसिपिटैकल, इट इज़ द पार्ट ऑफ रेसिपिटैकल एंड द ग्रीन कलर लीव्स आर अटैच्ड विद द फर्स्ट व्हर्ल ऑफ फ्लावर इज नोन एज सीपल्स। जो फ्लावर होता है उसके सबसे लोअर पार्ट में, या इसको हम फर्स्ट व्हर्ल भी बोलते हैं, तो इसमें जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, इट इज़ प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ नोन एज सीपल्स। इसके ऊपर जो कलरफुल लीव्स होती हैं, इट इज़ प्रेजेंट फॉर पॉलिनेशन और अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। इसको हम पीटल्स भी बोल देते हैं। यहाँ पर इसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम इसके अपर पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, इसके मिडल पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, इसके लोअर पार्ट को ओवरी बोलते हैं एंड द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्पेल। एंड इसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कह देते हैं। नेक्स्ट, ये पार्ट आप देख रहे हैं, दिस वन इज़ द स्टेमेन। द अपर पार्ट इज अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एंथर एंड द लोअर पार्ट विच इज अ फिलामेंट। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम फिलामेंट बोल देते हैं। एंड द पार्ट वेयर द एंथर एंड फिलामेंट कनेक्ट, दैट इज नोन एज कनेक्टिव। जहाँ से एंथर एंड फिलामेंट पार्ट अटैच होते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, कनेक्टिव। एंड इट इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड नेम्ड स्टेमेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसकी थ्योरी के बारे में। द प्लांट्स कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कार्पेल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमिट्स पॉलन एंड फीमेल गैमिट्स ओवम रिस्पेक्टिवली। द मेल गैमिट्स फ्यूज विद द फीमेल गैमिट्स टू फॉर्म अ सिंगल सेल सेल्ड जाइगोट विच डेवलप्स इंटू द एम्ब्रियो ऑफ द सीड। वी कैन से यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेल गैमिट्स, जिन्हें हम स्टेमेन कहते हैं, एंड फीमेल गैमिट्स, जिन्हें हम ओवम कहते हैं, तो फीमेल पार्ट जिसे हम कार्पल कहते हैं एंड जो इसकी गैमिट्स होती है उसे हम ओवम कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेल गैमिट्स होते हैं उनको पलन ग्रेन कहा जाता है और फीमेल गैमिट्स को ओवम कहा जाता है। इनकी फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट, जब इनका फ्यूजन होता है तो फ्यूजन से जाइगोट्स का निर्माण होता है और जो जाइगोट होता है वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो ऑफ द सीड। वो एम्ब्रियो किसी भी सीड का एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है या बन जाता है। नेक्स्ट, दस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट्स विद द फीमेल गैमिट्स टू फॉर्म अ जाइगोट विच डेवलप्स इंटू अ एम्ब्रियो ऑफ द सीड। कहने का अर्थ यही है कि जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें प्लांट्स के जो गैमिट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर जाइगोट सीड का फॉर्मेशन होता है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टेमेन एंड कार्पेल ऑफ द फ्लावर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर प्रेजेंट इन इट्स फ्लावर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द फ्लावर ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूस बोथ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स इन फ्लावर प्लांट। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं स्टेमेन एंड कार्पल, उनके द्वारा ही किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। यदि हम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की बात करें तो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में अ फ्लावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट विद रिमार्केबल कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी। दीज आर यूजली स्कैंटेड एंड ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द
द इंसेक्ट फ्लावर हेल्प्स द प्लांट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग आर द मेन पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इनके जो मेन पार्ट होते हैं वो रेसिपिटेकल, सीपल्स, पिटल्स, स्टेमेन एंड कार्पेल्स होते हैं। इसमें हम सुन लें कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं वो सबसे पहले अर्थ पर डेवलपमेंट हुआ एल्गी का। एल्गी इज़ अ वाटर प्लांट और इनमें क्या होता था, रूट, स्टेम, लीव्स ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं होते थे। आफ्टर एल्गी जो डेवलपमेंट हुआ एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। तो आप एल्गी के बाद जब ब्रायोफाइट्स आया तो इनमें जो इनके रूट्स या स्टेम ये लीव्स होती थी ये प्रेजेंट होने लगे बट डेवलप्ड नहीं होते थे। आफ्टर दिस टेरिडोफाइट्स आए। टेरिडोफाइट्स को हम फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट या फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहते हैं। इनके जो स्टेम होते थे वो स्ट्रांग होते थे बट इनमें भी कंडक्टिव टिश्यू फुल प्रेजेंट नहीं थे। इनमें एक स्पेशल टाइप के कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट थे जिन्हें हम स्टील बोलते थे इन टेरिडोफाइट्स। एंड नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म इट इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स, जिम्नोस एंड स्पर्म्स, जिनमें नेकेड सीड प्रेजेंट होते थे। एंड द नेक्स्ट वन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट प्रेजेंट होता था अर्थात फ्लावर्स प्रेजेंट होते थे जिनके द्वारा मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स का प्रोडक्शन होता था जिससे जायगोट बनता था एंड आफ्टर जायगोट सीड का फॉर्मेशन होता था। नेक्स्ट अब हम पार्ट ऑफ फ्लावर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिपिटेकल। रेसिपिटेकल रेसिपिटेकल इज द बेस ऑफ अ फ्लावर विच कनेक्ट्स द फ्लावर विद द ब्रांच ऑफ दैट प्लांट। द अपर एंड ऑफ रेसिपिटेकल इज यूजुअली स्वेलन एंड इट इज कॉल्ड थैलमस। एंड इट इज कॉल्ड थैलमस। जो रेसिपिटेकल होता था वो क्या करता था, किसी भी प्लांट को फ्लावर को उसके स्टेम से कनेक्ट करता था और इसे थैलमस नाम दिया गया। नेक्स्ट सीपल्स। सीपल्स आर अ हर्ल ऑफ ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक पार्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर। द ग्रुप्स ऑफ सीपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। जो सीपल्स होते थे ये किसी भी फ्लावर के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होते थे और इन्हें कैलिक्स कहा जाता था। द फंक्शन ऑफ सीपल्स इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावरिंग ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ व्हेन इट इज़ द फॉर्म ऑफ बड। जब ये बड के रूप में होता है तो इसको बाहर से प्रोटेक्ट करने का वर्क होता है सीपल्स का। एंड द नेक्स्ट वन इज पीटल्स। पीटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच आर प्रेजेंट इन साइड द सीपल्स। ये सीपल्स के इन साइड प्रेजेंट होते हैं। द ग्रुप ऑफ पीटल्स इज कॉल्ड कोरोला। और जो पीटल्स का ग्रुप होता है उसे कोरोला नाम दिया जाता है। नेक्स्ट द पीटल्स कैन बी डिफरेंट कलर्स। दीज आर यूजली स्केंटेड सेंटेड एंड देयर मेन फंक्शन इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। इनका जो मेन वर्क होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का होता है चूँकि ये कलरफुल होते हैं। फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। इनका भी जो मेन वर्क होता है वो पॉलिनेशन के लिए होता है चूँकि ये कलरफुल होते हैं अर्थात इनमें जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते रहते हैं। और इनका सेकंड वर्क होता है कि इनको मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करने का वर्क होता है। नेक्स्ट स्टेमेन। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टॉप्ड बाई सिंगल लार्ज सिलेंड्रिकल आर ओविड एंथर। अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर शोज दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स एंड ईच स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। इट इज द पॉलन विच कंटेन्स मेल गैमिट्स ऑफ अ प्लांट। इट इज द फॉर्म ऑफ टू मेल न्यूक्लियाई। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अभी आपने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कुछ ऐसा होता था। एक स्ट्रक्चर ऐसा होता था जिसके अपर पार्ट में प्लांट में ऐसा लगा होता था जिसे हम एंथर बोल देते थे। अब यहाँ पर जो एंथर का अपर पार्ट होता है उसे हम जो सॉरी जो स्टेमेन का अपर पार्ट होता है उसे हम एंथर बोलते हैं एंड जो लोअर पार्ट होता है उसे हम फिलामेंट बोलते हैं। एंड
ये पार्ट जो होता है जहाँ से एंथर एंड फिलामेंट कनेक्ट होता है उसे हम कनेक्टिव बोल देते हैं। और ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन है। यदि हम इसको कट करके देखें, इसका सेक्शन करके देखें, तो इसके बीच में फोर चैम्बर्स होते हैं जिनमें फोर पॉलन सैक्स होते हैं, अर्थात पॉलन चैम्बर्स होते हैं। फ्रॉम पॉलन चैम्बर्स इनमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमिट इन प्लांट। ओके, नेक्स्ट इज कार्पेल। कार्पेल आर कार्पेल को कहा जाता है पिस्टिल। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। द लोअर मोस्ट स्वेलन पार्ट ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी। द फंक्शन ऑफ ओवरी इज टू मेक ओव्यूल्स एंड टू स्टोर देम। ओव्यूल्स कंटेन द फीमेल गैमिट ऑफ अ प्लांट। द फीमेल गैमिट ऑफ अ प्लांट प्रेजेंट इन द ओव्यूल इज कॉल्ड ओवम। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन साइड द ओवरी। द अपर एंड ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा। इट मे बी पॉइंटेड, फ्लैटेंड और लोब इन शेप। द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा इज टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। द मिडल इलांगेटेड पार्ट ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड स्टाइल। द फंक्शन ऑफ स्टाइल इज टू कनेक्ट स्टिग्मा विद ओवरी एंड प्रोवाइड पैसेज टू द पॉलन ट्यूब। वी कैन से यहाँ पे जो फीमेल गैमिट्स होते हैं, वो मेल गैमिट्स होते हैं, वो मेल गैमिट्स इस फीमेल गैमिट्स पे आते हैं बाय द पॉलिनेशन, एंड स्टिग्मा पे उनको रिसीव किया जाता है। फिर बाय द स्टाइल, यहाँ पर एक पॉलन ट्यूब होती है, बाय द स्टाइल या बाय द पॉलन ट्यूब ये आ जाते हैं ओबरी के पार्ट पर। ओबरी के पार्ट में आने के बाद इनमें ये ओव्यूल होता है, यहाँ पर फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर ये फीमेल गैमेट्स ओवा का फॉर्मेशन होता है, और इस पार्ट को हम जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओबरी प्रेजेंट होती है उसे हम कार्पेल या फीमेल गैमेट्स कह देते हैं। नेक्स्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप विच आर एज फॉलोज। वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और एंथर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। बट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और अनदर प्लांट ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, इट जनरली टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड, वाटर एंड ह्यूमन बींग ऑल्सो। इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। हेयर यहाँ पे एक सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस दिखाई गई है। यहाँ पर जो मेल गैमिट्स होते हैं, ये मेल गैमिट्स बाई द पॉलिनेशन ये इसके अपने ही स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, और जब सेल्फ प्लांट में पॉलिनेशन होता है तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कह देते हैं। इन क्रॉस पॉलिनेशन जो एंथर होता है वो किसी दूसरे प्लांट के सेम स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है और उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन। व्हेन मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूज दे फॉर्म अ जाइगोट एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फ्यूज करते हैं, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो बॉडी के अंदर का फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एंड जो बॉडी के बाहर का फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। हेयर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए एक पॉलन ग्रेन अर्थात मेल गैमिट आता है। मेल गैमिट आने के बाद जो इसका न्यूक्लियाई होता है ये स्टिग्मा पे अटैच होता है। इसका न्यूक्लियाई पॉलन ट्यूब के रास्ते स्टाइल से ओबरी में चला आता है और यह ओब्यूल से अटैच होता है। ओब्यूल से अटैच होने के बाद जब ये दोनों अटैच हो जाते हैं तो इनमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, अर्थात मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स जो यन यन नेचर के होते हैं या सिंगल क्रोमोसोम नेचर के होते हैं वो इन पेयर प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसे हम जाइगोट कह देते हैं। एंड जाइगोट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू एन नेचर और डिप्लॉयड नेचर।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी चेंजेज आती हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावरिंग चेंज टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर, जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो इन साइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट होता है वो एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। द ओव्यूल डेवलप्स दो टफ कोट एंड चेंज इन टू सीड। ये ओव्यूल जो होते हैं वो एक टफ कोट को या सीड कोट को प्रेजेंट करते हैं और ये सीड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द ओवरी ग्रोथ रैपिडली एंड रेपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट, और ये फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। ओवरी जो होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। पीटल सीपल सिस्टम एंड स्टाइल एंड स्टिग्मा सर्वाइव एंड फॉल ऑफ। ये मोस्टली प्लांट में जो सीपल्स पीटल्स स्टाइल्स होती हैं स्टिग्मा होते हैं ये सब प्लांट से या फ्रूट से गिर जाते हैं। बट इन सम प्लांट सीपल्स आर प्रेजेंट। आपने देखा होगा ब्रिंजल या चिली, इनमें क्या होता है जो सीपल्स होता है अर्थात जो ग्रीन पार्ट होता था ऑफ अ फ्लावर वो अटैच रहता है। ओके नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देख लीजिए जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड, कोई भी जो सीड होता है इनके ऊपर एक सीड कोट प्रेजेंट होता है। जब कभी इनको फेवरेबल कंडीशन प्राप्त होती है, फेवरेबल कंडीशन मींस जब इनको अमाउंट में जितना इनकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग इनको वाटर सॉयल एंड न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होता है तो वहाँ पर ये इनमें एक प्लिम्यूल ग्रोस टू फॉर्म सूट। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सीड में प्लिम्यूल जर्मिनेट करता है जो क्या करता है सूट का फॉर्मेशन करता है। एंड सॉरी रेडिकल प्रेजेंट होता है जो रूट का फॉर्मेशन करता है एंड प्लिम्यूल सूट का फॉर्मेशन करता है। एंड किसी भी प्लांट में जब सूट डेवलप्स इनटू ग्रीन लीव्स स्टेम, ग्रीन लीव्स एंड स्टेम एंड रेडिकल डेवलप्स इनटू अ रूट्स। यहाँ पे आपको बताया भी गया है सीड्स जर्मिनेट अंडर सुइटेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। दीज पिक्चर्स शो द जर्मिनेशन ऑफ अ बीन सीड टू फॉर्म अ न्यू बीन प्लांट। ओके यहाँ पर आपको एक बीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया था जिसे न्यू प्लांट के जर्मिनेशन के बारे में बताया गया है। ओके नेक्स्ट वन इज, इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का डिस्कशन करेंगे। ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।